नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं छुट्टी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज अभी हॉस्टल पे आ रही है क्योंकि एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कुछ हजार बच्चे ऐसे हैं जो मॉपअप राउंड का राह देख रहे हैं, उसके लेके मैं आपको बता चुका हूँ कि वो नेक्स्ट वीक में आपको फाइनली देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हॉस्टल जो है वो RGSC में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा है, DMC में अभी हॉस्टल बाकी है। देखो, एफिलेटेड में हर हॉस्टल हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे DAV की बात करो तो हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट का हॉस्टल तो कहीं अवेलेबल नहीं है, जो भी है वो कहीं ना कहीं कोलेबोरेशन में है। उनके फीस बहुत ज्यादा है, जैसे हम लोग BCW का शायद 90-90 हजार पहुंच जाता है उनके हॉस्टल का, सोचो कितना महंगा है। उसी तरीके से बाकी भी कॉलेज अपने कोलेबोरेशन में चलाते हैं, लेकिन BHU जो है ना वो अपना बहुत ही फ्री वाला हॉस्टल देता है, मतलब कि पूरे साल का 5,000, पूरे साल का 10,000, इस तरीके से इनके हॉस्टल फीस होती है। बस आपको खाने पीने का देना पड़ता है। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि BHU का जो हॉस्टल है उसका प्रोसीजर क्या है, क्या हम लोग इस हॉस्टल को इजीली ले सकते हैं बिना किसी ज्यादा मेहनत किए, तो वो लीगल प्रोसेस क्या है उसको हम लोग जानेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो BHU PG हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना कि ये अपडेटेड है अभी इस सीजन के लिए, यानी हम लोग 2024 के लिए देख रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज होती हैं वो बदलती रहती हैं। BHU आजकल अपने बाउंड्री के अंदर कई सारे कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, इवन PhD में अप्रोक्स 100% हॉस्टल्स की प्लानिंग है, होने भी लगे हैं, लड़कियों को भी मिलने लगे हैं, कई सारे नए हॉस्टल्स बने हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो 24 के लिए बना रहा हूँ, 25 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर समझेंगे हम लोग। ओके, अलॉटमेंट प्रोसेस को समझेंगे। ये 100% क्या है, ये 100% एक हम लोगों ने स्केल बना रखा है कि जो मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरप्ट करेंगे, आप लोगों के पास अगर कोई डाउट है, समझ में आया, जैसे आपके पास कोई समस्या है करियर को लेके, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इवन गार्जियंस बहुत अच्छे इस पे रिस्पांस दे रहे हैं काउंसलिंग वाला पे, क्योंकि गार्जियन वरीड है कि जो कोर्स मेरा बच्चा करने जा रहा है सर, ये कोर्स उसके लिए वर्थ इट है कि नहीं। और खास कर प्रोफेशनल कोर्सेज में फीस इतना हाई है भाई, 60,000 पे कर रहे हो, 2 साल आप 1,20,000 पे करोगे, हमारे पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं 1,20,000 में कोर्स करके पैसा कमाने का। आप अपने पैशन को नहीं जान रहे, बस BHU के पीछे भागना है, किसी बहुत अच्छी चीजों को देख के उसके पीछे भागना, ये गलत है। आप अपने पैशन को नहीं जान रहे हो, आप अपने एम को लेके क्लियर नहीं हो, तो मुझे लग रहा है कि ये पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि आप PG में हो भाई, बस तीसरे साल में जाते ही, अब यहां से 3 साल जोड़ो तो शादी ब्याह का समय हो जाएगा, समय नहीं बचेगा किसी के पास, और लड़कियों के पास ऑलमोस्ट नहीं बचने वाला है। इसीलिए ये सब डाउट डिस्कस करने के लिए काउंसलिंग वाला है। ये इसलिए नहीं बनाया गया कि आप मेरे को कॉल करके पूछो कि हाँ लंका पे हॉस्टल लेना है, उसके लिए तो मैं अलग प्रोसेस बना दिया ना, ये है आपके डाउट क्लियरिंग के लिए, एकदम एग्जैक्ट एजुकेशनल टॉक करना है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करो। ये नंबर है, इस पे बेसिकली आपको व्हाट्सअप करना है, कोई कॉल नहीं करना है, इस पे व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करते हो यू विल गेट अ फुल प्रोसीजर, आप उसको फॉलो कर लो। 15 डेज का इस पे सब्सक्रिप्शन है, 15 दिन के लिए आप ₹50 पे करोगे, सोचो बहुत ही कम फी रखी गई है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, जिससे कि भीड़ से हम लोग निकल के और एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे फायदा उठा रहे हैं, बच्चों के ही रिस्पॉन्स की वजह से आज मैं उसको इतना प्रमोट कर रहा हूं। अगर उसके नेगेटिव रिव्यू हो जाते ना तो मैं कभी प्रमोट नहीं करता, ऑनेस्टली सेइंग बहुत अच्छा रिव्यू है। अच्छी बात यह है कि अगर 50 बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं तो कम से कम 20 गार्जियन के रिव्यू आ रहे हैं जो अपने बच्चों को लेकर वरीड है और वो मेरे से डिस्कस कर पाते हैं, टीम के किसी मेंबर से डिस्कस कर पाते हैं। ये हॉस्टल वाला का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान देना कि काउंसलिंग वाला अलग है, हॉस्टल वाला अलग है। तो हॉस्टल वाला के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना है, वहां के प्रोसीजर आपको पता चल जाएंगे ग्रुप में। अब हम लोग जानते हैं कि हॉस्टल्स डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है, ये कल से स्टार्ट होने वाला है। आपके DMC यानी उस बड़े से गेट के अंदर जो BHU जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो बाउंड्री के अंदर पूरा आता है, DMC डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। तो आप लोग PG के स्टूडेंट हो इसलिए आपको DMC बोला जाएगा क्योंकि आप डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हो। तो आप इस 100 मार्क्स को समझो और इस 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, CUT का मार्क्स विल बी कंसिडर बाई द 80% वेटेज, ठीक है, और 20% वेटेज क्या होगा आपका डिस्टेंस मैटर करेगा। जैसे कोई आसाम से आता है तो उसके लिए 20% की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस 800 मीटर हो गया, 800 किलोमीटर हो गया, अब 800 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 20% लिया जाएगा। अगर कोई BHU के आजू बाजू में रहता है, 80 किलोमीटर में रहता है, तो वो 80 किलोमीटर का 20% लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस मैटर
करेगा क्योंकि वो परसेंटेज पे है। उसी तरीके से 80% सीयूटी का मार्क्स है, यानी किसी का सीयूटी बहुत अच्छा मार्क्स है तो वो 80% का वेटेज उससे लिया जा रहा है। अगर किसी का कम मार्क्स है तो वो 80% का ही वेटेज लिया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज मैटर करेगा आपके हॉस्टल अलॉटमेंट में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हॉस्टल्स कितने लोग को मिलता है, प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये था कि सर आने के बाद क्या कोई ऑफलाइन प्रोसीजर होता है। ऑफ कोर्स बहुत पहले मेरे टाइम पे, ठीक है, जब मैं यूजी में आया था तो मेरे टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन ही था। लिस्ट आती थी, दीवार पे लगता था, हम लोग उसको नाम में देखते, अपना जाके नाम देखते थे, ओ मुझे बिरला मिला है, मुझे एलबीएस मिला, ये चलता था। लेकिन अभी ये ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन कहाँ पे, वही आपका जो पोर्टल है उसी पोर्टल पे यहाँ पे एक डैशबोर्ड बन के आएगा, एक आइकन बन के आएगा कि आपको ये हॉस्टल अलॉट हुआ है और ये यहाँ पे इसका पेमेंट मेथड है, आप पेमेंट करोगे और आपकी ये रिपोर्टिंग टाइम होगी, ठीक है, ये आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी, रिपोर्टिंग डेट होगी। ये पीडब्ल्यू को 100% है, यानी जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको 100% हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल जो बनाए जाते हैं वो उसका कंस्ट्रक्शन पीएच के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। उनके लिए रेलिंग लगाई जाती है, प्लेन सीढ़ियां लगाई जाती हैं, और इनको बेसिकली कहाँ मिलता है, बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर में मिलता है, जिससे भी कि दिव्यांग बच्चों को प्रॉब्लम ना है, ना मेस जाने में प्रॉब्लम हो, ना साइकिल स्टैंड साइड जाने में प्रॉब्लम हो, यहाँ अपनी वो गाड़ियां खड़ा करते हैं, और ना ही गेट से बाहर निकलने में उन्हें समस्या हो। तो पीडब्ल्यू को 100%, और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और मैं आगे आने वाले समय में दिव्यांग बच्चों के लिए लाइक हेलन केलर जैसे, जैसे उन्होंने अपने स्कूल में एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस किया इन लोगों के साथ, तो ये मेरी एक दिली इच्छा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर साथ देना, और आप ये देखो भी कैंपस में हो पा रहा है। बस दिव्यांग बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं चाहूंगा कि इथिकल इस मोरल इनिस्टिट्यूट में आप लोग जरूर भाग लीजिएगा। तो इसके लिए आप मेरे प्लेटफॉर्म जुड़े रहना, इन बच्चों के लिए ये वो दुनिया देख पाएंगे जो हम देखते हैं अपनी आंखों से। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 30% किसको मिलता है, बाकी बच्चों को, हम जैसे जो लोग हैं उनको कितना मिलता है, 30% वेटेज, यानी मान लो किसी डिपार्टमेंट में 100 सीटें हॉस्टल की, वैसे इतनी होती नहीं है, तो उसमें 30% लोग को ही बीएचयू को हॉस्टल मिलेगा। बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोग प्राइवेट हॉस्टल, कहाँ पे, हॉस्टल वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो। ये दोनों लोग को मिलता है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिलता है, लेकिन बॉयज के हॉस्टल ज्यादा है, इनको ज्यादा मिल पाता है, ठीक है। मैं एक मोटी मोटा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे किसी किसी डिपार्टमेंट में 94 सीटें होती हैं, ठीक है, तो इस 94 वाले में लगभग 25 हॉस्टल्स मिलेंगे, और किसी किसी डिपार्टमेंट में 30 सीटें हैं तो इसमें 9 से 10 लोग को हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। ये एक एवरेज बता रहा हूँ, आप निकालोगे तो वही 30% देखो आ भी रहा निकल के, ऐसा कुछ तो वही 30% का रेशियो है भाई। ये हॉस्टल की जो फीस होती है बीएचयू में, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, जिसमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दी है कि आप न्यू पीजी हॉस्टल ले रहे हो गर्ल्स के लिए, ये 10,000 लगेगा। अच्छा आपको बिरला मिला 5,000, अच्छा आपको एलबीएस मिला 5,000, तो 6,000 10,000 इस तरीके से उसकी फीस है। पूरे साल के लिए होता है, ये वन टाइम पेमेंट होता है, पोर्टल के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि ये जो पैसा दियो हॉस्टल के लिए, ये पैसा है आपको बस रहने के लिए, खाने के लिए नहीं, इसके लिए मेस चार्ज आपको अलग से देना होता है। वो एक पहले का जमाना था, शायद मेरे से भी पहले का जमाना था, जब ये सब चीजें एक बार में होती थी कि आप बस एडमिशन ले लो, एक बार में पैसा दे दो, खाने पीने सब कुछ का होता है। आईटी में आज भी एक प्रोसीजर है, लेकिन बीएचयू में ना कई बार झगड़े होते हैं, जैसे महाराज वगैरह का भोजन पसंद नहीं आया, लड़के चढ़ बैठे मारने के लिए, तो बीएचयू ने सोचा रोज रोज का छिलको एक खत्म कर दो, टेंडर व्यवस्था कर दो। बीएचयू का काम है ओनली हॉस्टल देना, बाकी बच्चे कभी कभी खुद अपने च्वाइसेस के महाराज को नियुक्त कर देते हैं। बिरला वाला में ऐसा है कि वो लोग, उनमें झगड़ा अब नहीं होता है, अब क्या है कि अपना बच्चों का एक तरह से अपना कोलैबोरेशन है कि महाराज मेरे लिए ये बना दो, तो अब फ्री हो गया ना, प्लेटफॉर्म बनाना, खाना, ये सब चीज अपने अपने बीच का हो गया, अब झगड़े नहीं होते हैं बेसिकली। अब बच्चों के च्वाइसेस के महाराज लोग भोजन बना देते हैं और महाराज लोग भी फ्री है, तो अब टेंडर व्यवस्था हो गया, इसीलिए मेस का चार्ज आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये अलग से है, मैं नॉर्मल फीस बता देता हूँ, ₹50 ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को एक टाइम का देना पड़ता है, दो टाइम का ₹100, इसी बीच बीच में ये लोग क्या करते हैं, आपको बीच बीच में चाय वाय भी बना देंगे, तो उसका प्लस, मतलब एक पूरा कैंटीन व्यवस्था चलाते हैं अंदर ही अंदर, आओगे तो समझ जाओगे, इतना बच्चों वाली बात क्या बताना आपको, ठीक है। तो ये काउंसलिंग वाला है, इसको आप लोग कॉन्टेक्ट कर लो किसी डाउट के लिए, एजुकेशनल डाउट के लिए। और हॉस्टल के लिए क्या है, ये हॉस्टल वाला प्रोसीजर आप इसको ज्वाइन करो, उसमें पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, पूरा एक फॉर्मेट है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि हॉस्टल को लेके आप कोई डाउट नहीं होगा। मैं थोड़ा मोड़ा अगर रिमाइंड करना चाहूं तो कमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था कि कहां पे होगा, तो ऑनलाइन ही होगा, फीस पता चली गया ऑनलाइन, सबको मिलता नहीं है,
अब आप लोग घर से निकलने की प्लानिंग करो, बेसिकली पैकिंग वैकिंग कर लो, क्योंकि डिपार्टमेंट अपना बहुत जल्द प्रोसीजर यानी कि जो डेट है ओरिएंटेशन क्लास का वो दे देगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना, बाकी अपनी शिफ्टिंग चालू कर दो। जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट गया था ना, उनको हॉस्टल मिलता है 30% में, बाकी के बच्चे जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड के बच्चे उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट में हॉस्टल पीजी जो भी चाहे बीएचयू के आजू बाजू एफिलिएटेड में ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो हॉस्टल वाला है इसको ज्वाइन कर लो, या आपकी मदद कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली आप इनको मैं मदद करना, दो या तीन लोग लगे हुए इसमें आपकी मदद करने के लिए, इनको आप मदद करना, बाद में बता दूंगा क्या मदद करना, ठीक है? तो मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव।